नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य चेतना में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं भारत सरकार आयुष मंत्रालय के बोर्ड मेंबर डॉक्टर रविंद्र पोरवाल जी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। तो दर्शकों, स्वास्थ्य चेतना में हम बात करते हैं स्वास्थ्य से संबंधित ना सिर्फ परेशानियों की बल्कि उनके समाधान की भी। और अगर आजकल की बात की जाए तो जो हमारा जीवन शैली है, जो लाइफस्टाइल है, वो इतना फास्ट हो चुका है कि ऐसे में हम अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं, चाहते हुए भी अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं क्योंकि हमारे पास समय की कमी होती है। लेकिन इसके चलते आपको कई बार बहुत सारा ऐसा खामियाजा उठाना पड़ता है जो गंभीर बीमारी के रूप में हमारे सामने आता है। जरूरी ये है कि समझदारी के साथ आप अपने रोजमर्रा के कार्य भी करें और जो आपकी दिनचर्या है उसको संयमित रखें। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है संतुलित आहार की, यानी कि आहार की भूमिका निश्चित तौर पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर। और आज हम डॉक्टर साहब से इसी पर जानकारी जुटाएंगे कि संतुलित आहार क्या है और बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक संतुलित आहार की क्या भूमिका है। तो डॉक्टर साहब, विषय से मैंने अवगत करा दिया है हमारे दर्शकों को भी और इसके रूप में प्रश्न भी आपके सामने रख दिया। और पहला सवाल यही है कि आखिर एक संतुलित आहार है क्या। नंदिनी जी, बहुत अच्छा बात आपने पूछा है। लोग बैलेंस डाइट की बात करते हैं, संतुलित भोजन की बात करते हैं, लेकिन संतुलित भोजन का वास्तविक अर्थ नहीं समझते हैं। लोग भोजन में परिवर्तन को ही संतुलित आहार मान लेते हैं। चिकित्सा की दृष्टि से, आयुर्वेद की दृष्टि से हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग खाद्य पदार्थ, अलग की कितनी मात्रा शरीर के लिए उपयुक्त है, जरूरी है, ये अलग अलग मात्रा अलग अलग व्यक्ति के लिए जो निर्धारित होती है, उसकी ज़रूरत होती है, वही बैलेंस डाइट है उस इंडिविजुअल के लिए, वही एक संतुलित भोजन है। जैसे नंदिनी जी, एक उदाहरण दूं, एक व्यक्ति रिक्शा चला रहा है, रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति 8 रोटियां खाता है, लेकिन एक मानसिक श्रम करने वाला चार्टेड अकाउंटेंट, दोनों की उम्र बराबर है, दोनों 35 ईयर्स के हैं, लेकिन चार्टेड अकाउंटेंट का मानसिक श्रम ज्यादा। अब शारीरिक श्रम के लिए हमारी मांसपेशियां सशक्त और मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि उसको रिक्शा चलाना है, रिक्शा पुलर को, तो उसके लिए जो आहार होगा उसमें बड़ी मात्रा में प्रोटीन और फैट की जरूरत है, ताकि वो ज़्यादा कैलोरीज प्राप्त करके ज़्यादा अच्छे तरीके से रिक्शे को चला सके। लेकिन एक चार्टेड अकाउंटेंट को ऐसे आहार की जरूरत है जो उसके मानसिक कार्य में, एकाग्रता में, उसकी मेमोरी पावर में वृद्धि कर सके, उसको काम को अच्छी तरह परफॉर्म करने में सहयोग कर सके। तो दोनों 35 ईयर्स के हैं और दोनों के लिए संतुलित भोजन एक जैसा नहीं हो सकता है। यह हमारा बताने का उद्देश्य था कि अलग अलग व्यक्ति की शारीरिक जरूरत और उसकी बीमारियों को ध्यान में रख के, उसकी समस्याओं को ध्यान में रख के हम एक बैलेंस डाइट की व्यवस्था करते हैं, उसको प्रेस्क्राइब करते हैं, ताकि उसकी बीमारी ठीक हो और उसके शरीर के आंतरिक अंग सशक्त और सबल बने, इम्यूनिटी बढ़े और वो जो कार्य कर रहा है उस कार्य को बेहतर तरीके से कर सके। निश्चित तौर पर हम यही चाहते हैं कि जो हम कार्य कर रहे हैं, हमारे सामने जो भी कार्य करना हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारे करियर के लिए जरूरी है, उसे हम बेहतर तरीके से कर पाएं। देखिए, ये बहुत जरूरी बात आपने कही कि संतुलित आहार कोई एक निश्चित मात्रा में कोई चीज़ नहीं हो गया, बल्कि अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग आयु वर्ग के लिए अलग अलग मात्रा में खान पान की व्यवस्था हो गई। बात अगर की जाए, एक परिवार में तमाम उम्र के लोग रहते हैं, बुजुर्ग भी रहते हैं, युवा रहते हैं, टीनेजर्स रहते हैं, बच्चे रहते हैं, और अगर इसमें भी डिवाइड कर लिया जाए तो महिलाएं और पुरुष, जिनकी ज़रूरतें अलग अलग होती हैं, तो ऐसे में क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि इनके लिए अलग अलग संतुलित आहार के मायने होंगे। देखिए, जो डेवलपिंग एज का बच्चा है, 5 साल से 15 साल 16 साल का बच्चा है, उसको
ऐसे आहार की जरूरत है जो उसके शरीर के आंतरिक अंगों को अच्छी तरह विकसित कर सकें, उसके इंटरनल डेवलपमेंट के लिए जो जरूरी तत्व हैं, जो मिनरल्स हैं, जो विटामिन्स हैं, उन सब की पूर्ति हमारा आहार कर दे, उस जो उस बच्चे के लिए हम दे रहे हैं, उस बच्चे के आहार में ये सब तत्व हों, तो ये उसके लिए एक बैलेंस डाइट होगी, एक आइडियल डाइट होगी, एक संतुलित भोजन होगा। वहीं एक हम वृद्ध की बात करें, वृद्धावस्था में शरीर डिटोरिएट करता है, सेल्स बूढ़े होते हैं, पाचन तंत्र शिथिल हो जाता है, लीवर पेंक्रियाज अगर 60 साल पुराने हो गए हैं तो ये उतनी ताकत के साथ काम नहीं कर पाते हैं जितनी ताकत के साथ एक 20 साल के युवा के लीवर पेंक्रियाज काम कर। तो हमें वृद्धावस्था में ऐसा आहार देना है जो आहार सहजता से हजम कर ले, हमारा डाइजेस्ट उन वृद्ध का डाइजेस्टिव सिस्टम आधा पका पकाया भोजन, आधा पचा पचाया भोजन हम अगर सीनियर सिटीजन को देते हैं तो उनके लीवर पर, उनके पाचन तंत्र पर, उनके मेटाबॉलिज्म पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ता और वो उस भोजन को सहजता से पचा लेते हैं। साथ ही साथ नंदिनी जी एक बात और कहना चाहूँगा कि वृद्धावस्था में आंतें भी शिथिल हो जाती हैं, आपने 100 कैलोरी की डाइट ली लेकिन आउटपुट 40 कैलोरी का मिला जी। इसीलिए तो बूढ़े लोग खाते तो 5 रोटियां हैं लेकिन कदम डगमगाते हैं, बच्चा 2 रोटियां खाता है सोफे पे चढ़ के कूदता है क्योंकि उसने 2 रोटियों को पूरी तरह भस्म किया, पूरी तरह डाइजेस्ट किया और उससे मिली हुई कैलोरीज को वो अपनी इच्छा अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार खर्च करता है। वृद्ध ने 100 कैलोरी की डाइट तो ली लेकिन उसको आउटपुट तो 40-50 कैलोरी का मिला, इसीलिए अच्छा आहार लेने पर भी वृद्धावस्था में कमजोरी होती है, सीढ़ियां चढ़ते समय उतरते समय हाँफने लगते हैं। तो ऐसा आहार जो वृद्धावस्था में हमें इन समस्याओं से बचाए, वृद्ध को युवा रखे, वृद्ध को एक्टिव रखे, वृद्ध को क्रियाशील रखे, वो आहार उस इंडिविजुअल के लिए, उस व्यक्ति के लिए, उस वृद्ध महिला या पुरुष के लिए संतुलित आहार है, यही उसके लिए एक बैलेंस डाइट है। यानी कि मात्रा भी मायने रखती है यहाँ पर, किसके लिए कितनी मात्रा उसी चीज की हो सकती है। लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगी कि एक फौरी तौर पर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि एक आइडियल फॉर्म में संतुलित आहार में क्या क्या आता है, क्या क्या हमारे खाने में होना चाहिए, फिर मात्रा पर भी बात करेंगे। नंदिनी जी, एक एक चाहे बालक हो जी, चाहे युवा हो, चाहे प्रौढ़ अवस्था हो या वृद्धावस्था, हमें बैलेंस डाइट में सभी भोजन के जो आवश्यक तत्व हैं जैसे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब उतनी मात्रा में चाहिए जितनी मात्रा में शरीर की आवश्यकताओं की सहजता से पूर्ति हो जी। और वही चीज फिर मैं दोबारा दोहराता हूँ कि यही चीज हर व्यक्ति के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो संतुलित आहार की तलाश में है, यही संतुलित आहार है कि उसकी बीमारियों की दृष्टि को रखते हुए, उसकी जीवन की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए जो हमारे भोजन के मुख्य तत्व हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स और विटामिन्स, इन सब की समुचित मात्रा उसके आहार के माध्यम से शरीर में पहुंचे और वो एक अच्छा आरोग्यपूर्ण जीवन जी सके। बिल्कुल।
देखिए बात अगर की जाए एक बच्चे की, तो बच्चे की होती है बढ़ती उम्र, विकास की उम्र होती है, और इसके लिए दिमाग की भी हम चाहते हैं क्योंकि वो पढ़ रहा होता है, दिमाग तेज रहे और प्लस उसकी फिजिकल एक्टिविटी भी ज्यादा होती है। वहीं घर के अगर उस सदस्य की बात की जाए जो वयस्क तो है, फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं है लेकिन दिमागी काम वो कर रहा है, यानी कि दिमाग के लिए भी हम चाहेंगे कि एक अच्छा कुछ आहार उसको प्राप्त हो, तो क्या आप बताएंगे उनके लिए क्या डाइट आइडियल रहेगी? नंदिनी जी, मैं आपकी एक बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, आंशिक सहमत हूँ। हाँ जी। आजकल जो बच्चे हैं इनका मेंटल वर्क निश्चित रूप से बहुत ज्यादा है, स्कूल, घर परिवार के सदस्य, बच्चों के कोमल मन मस्तिष्क पर किताबों का, पढ़ाई का बहुत भारी बोझ लाद देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने जी। लेकिन इस बोझ के कारण वो बच्चा मानसिक रूप से बहुत बार टूटना शुरू कर देता है, उसके मन के अंदर, उसके हृदय के अंदर ऐसी भावना पैदा होती है कि ये मेरे बस का काम नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, फलस्वरूप वो पढ़ाई से विमुख हो जाता है। दूसरा, आपने कहा कि बच्चे खेलते खूब हैं, एक खेलने का मौका खूब मिलता है, फिजिकल बहुत हाँ, फिजिकल एक्टिविटी रहती है। ये बात आज के युग में पूरी तरह उचित नहीं है। हाँ। आज बच्चे खेलने का वक्त ही नहीं, खेलते तो कंप्यूटर पर गेम है, मोबाइल पर गेम खेलते हैं। बच्चे जो फिजिकल एक्टिविटीज थी कि मैदान में जाके दौड़ रहे हैं, घर मोहल्ले के 10-15 बच्चे इकट्ठे होके दौड़ भाग कर रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, बॉल खेल रहे हैं, और अपनी फिजिकल एक्सरसाइज को अच्छी तरह कर लेते थे। खेल खेल में उनका मानसिक विकास भी होता था और उनकी फिजिकल एक्टिविटीज भी सही ढंग से संपादित हो जाती थी। ये चीज़ अब कम हो गई है। मानसिक बोझ तो बढ़ा है, मानसिक स्तर पर कार्य करने का क्षमता बढ़ी है, लेकिन शारीरिक कार्य करने की क्षमता कम हुई है। बिल्कुल ठीक आपने। तो हमें बच्चों को ऐसा आहार देना चाहिए जो उनके मन मस्तिष्क को शक्तिशाली बनाए, उनकी मेमोरी पावर को बढ़ाए। नंदिनी जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमें बच्चे को क्या आहार देना है। घर में जो खाना बना, बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी लोग उसको खाना खाते हैं। खाने के दो ही उद्देश्य होते हैं, कि स्वादिष्ट हो, पेट को भरे, और दूसरा जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो कैलोरीज दे। लेकिन इसके बाद तीसरा उद्देश्य जो कम लोग जानते हैं, हमारा लीवर खराब है, हम क्या ऐसा आहार का सेवन कर सकते हैं जो हमारे लीवर को सशक्त बनाए, लीवर में आई हुई खराबी को ठीक भी करे और हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की जरूरत के मुताबिक कैलोरीज भी उत्पन्न करे, मिनरल्स और विटामिन्स का खजाना हो, तो ऐसा आहार उस व्यक्ति के लिए आरोग्यकारी आहार होगा। और यही आहार सही रूप में संतुलित आहार है जो शरीर को बीमार न पड़ने दे और बीमार शरीर के अंगों को स्वस्थ करने में मदद करे। तो बच्चों को जैसे मानसिक श्रम ज्यादा करते हैं, तो हमें दिमाग को पुष्ट करना वाला आहार जैसे अखरोट जी, तरबूज के बीज, खरबूजे के बीज, ब्रह्मी, शंख पुष्पी, आंवला, ऐसे खाद्य पदार्थों का अपने आहार में सेवन जरूर करना चाहिए, बच्चों को जरूर देना चाहिए, ताकि बच्चे मानसिक स्तर पर कितना भी पढ़ाई का बोझ क्यों ना हो, हिंसक ना बने और उनके आत्मविश्वास में, उनके कॉन्फिडेंस में किसी स्तर की कमी ना आने पाए। बिल्कुल।
देखिए ये तो बात हो गई बच्चों की जिनकी बढ़ती उम्र है और उन्हें बढ़ना है आगे और उनके दिमाग का भी ख्याल रखना है हमें, हमारी जिम्मेदारी बनती है। बात अगर आप उस आयु वर्ग की जाए जो 30+ की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि वो वयस्क हो चुके हैं, बहुत काम का प्रेशर होता है और उम्र ढलना शुरू हो जाती है, तो इस उम्र के पड़ाव पर किस तरीके का खान पान होना चाहिए, इनके लिए संतुलित भोजन क्या है? देखिए नंदिनी जी, मैंने पहले भी कहा कि एक व्यक्ति को जब एक कंसल्टेंट जी, एक स्वास्थ्य का परामर्शदाता, एक डॉक्टर जब व्यक्ति को देखता है, उसकी जरूरत समझता है, उसके कार्य की प्रणाली को जानता है, उसके आहार के बारे में जानकारी करता है, उसकी बीमारियों के बारे में जानकारी करता है, उसके बाद ही वो बेहतर तरीके से उसके लिए आइडियल आदर्श बैलेंस डाइट की व्यवस्था को, व्यवस्था पत्र को लिख पाता है। तो इसमें कितनी कैटेगरीज में हम लोगों को बांट सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर कोई मेहनत ज्यादा कर रहा है या फिर किसी का सिटिंग वर्क ज्यादा है, तो ऐसे में किस कैसे आप दिशा निर्देश देंगे, क्या गाइडेंस रहेगा? नंदिनी जी, आयुर्वेद के शास्त्र कहते हैं कि आहार की व्यवस्था को और जीवन शैली को हम किसी कैटेगरी में नहीं बांट सकते हैं। ये हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी मैं 35+ के लोगों के लिए, 35 साल से 55 साल के बीच के उम्र के लोगों को कुछ सलाह आहार के संदर्भ में जरूर देना चाहूँगा कि जैसे आप 35 साल की उम्र के हैं, सुबह बदल बदल के नाश्ता करें, कभी अलसी का पाउडर, अलसी को भून के पाउडर बना लें, इसमें चीनी मत बनाएं, लड्डू बनाने में जो चीनी होती है वो जितनी अलसी होती है उतना ही, उससे ज़्यादा आटा डाल देते हैं लोग और उतनी ही चीनी डाल देते हैं, तो अलसी तो 1/4 बचती है। इसलिए मेरा सलाह ये है कि अलसी को बारीक पीस लें, भूनने के बाद बारीक पीस लें और इसका 1-2 चम्मच पाउडर सुबह दूध के साथ हफ्ते में 2 दिन जरूर लें जी। नाश्ते में ये नाश्ता हो गया जी, जी। 2 दिन फलाहार करें, मौसम के जो फल हैं जैसे इस समय तरबूज खरबूज खूब आ रहा है, टमाटर खूब आ रहा है, तो तरबूज और खरबूज, बहुत से लोग कहते हैं कि प्रातः काल खाली पेट नहीं खाना चाहिए, अगर आप चाय नाश्ता के साथ उसको खाते हैं तो ये निश्चित रूप से नुकसानदायक है, लेकिन खाली पेट आप तरबूज और खरबूज को खाते हैं, तरबूज या खरबूज दोनों को एक साथ नहीं खाना चाहिए, तो तरबूज अगर खा लिया है खूब भरपेट एक कटोरा तरबूज खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, केवल इतना सा तकलीफ होगा क्योंकि ये तरबूज या खरबूजा डाययूरेटिक होता है, ये शरीर के आंतरिक अंगों की सफाई करने वाले फल हैं, किडनी को नया जीवन देने वाले फल हैं, तो ऐसे फलों का सप्ताह में 2 बार जरूर सेवन करें और प्रातः काल अगर सेवन करते हैं तो इससे यूरिन का प्रेशर बढ़ता है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है, उससे चिंतित और परेशान नहीं होना चाहिए जी। 4 दिन तो ये हो गया, हाँ जी। कम से कम 1 दिन अंकुरित अनाज जिसमें ना तो नमक मिलाएं ना नींबू मिलाएं, नमक मिलाते ही अंकुरित अनाज की पौष्टिकता खत्म हो जाती है। देखिए अंकुर है उस दाल में, मूंग की दाल चने जिसमें भी अंकुर है, अगर आपने नमक डाल दिया मिर्ची डाल दी तो एक पानी सा छूटता है, वो पानी क्या है, वही तो विटामिन्स हैं, वही तो मिनरल्स हैं, जब जड़ में, लोग नहीं कहते हैं कि जड़ में नमक डाल दिया, तो हम कभी भी ऐसी भूल ना करें, अगर बच्चे
अंकुरित अनाज को बच्चों को देते हैं तो किशमिश डाल दें, खजूर दे दें, मुनक्का दे दें, अंजीर दे दें, या जो भी मीठा ड्राई फ्रूट वो पसंद करते हैं वो दे दें। आप एप्पल काट के मिला दीजिए, लेकिन नमक मिर्ची ये सब मत मिलाइए, इससे उसकी पौष्टिकता ख़त्म हो जाती है और वो केवल केवल फाइबर हम खा लेते हैं जो सेहत के लिए लाभकारी तो है, जिस उद्देश्य के लिए अंकुरित अनाज खा रहे थे वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा जी। एक दिन केवल जलाहार करें। जला आहार का मतलब जला हुआ भोजन नहीं है जी। जलाहार का मतलब है कि हम हर आधी आधी घंटे पर दो दो गिलास पानी पिए और कम से कम 8 गिलास पानी पी लें। इस दौरान कोई भी चीज़, इवन बैट टी, बीड़ी या पान मसाला जैसी चीज़ें जो लोग बुरे दुर्व्यसन के आदि हैं वो इनसे बचाव करें। और फिर आखिरी बार पानी पीने के 45 मिनट बाद ही नाश्ता करें। और एक दिन जो बचा है उस दिन हम मट्ठा, केवल दूध, सत्तू या जो मौसम की कोई सब्जी है उसको खाएं, ग्रीन सलाद खाएं, ताकि हमारी सेहत अच्छी हो और हमारा नाश्ता शरीर का नाश ना करके शरीर का पोषण करे, शरीर के अंदर मौजूद बीमारियों को भगाए, उनसे हमें निजात दिलाए। बिल्कुल, देखिए बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ आपने हमारे दर्शकों को ये जानकारी दी, और सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि पूरे हफ्ते का जो आपने बताया ये जानकारी दी। किस दिन हम क्या ले सकते हैं, क्योंकि लोगों को बताओ तो वो कहते हैं कि इससे काम नहीं चलेगा, तो काम कैसे चलेगा ये भी आपने बताया। बड़ी बात यह है कि इस पूरे हफ्ते की डाइट में कहीं पर भी पूड़ी और पराठों का जिक्र नहीं था, जो कि उत्तर भारत में जिसका बहुत ज्यादा चलन होता है, तो उन्हें थोड़ी निराशा हाथ लगेगी। लेकिन देखिए, अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए तो अपनी आदतों में बदलाव लाना ही होगा। ये जो आपने डॉक्टर साहब बताए हैं अंकुरित, अगर स्प्राउट्स की बात कर ली जाए, जिस तरीके से ड्राई फ्रूट का आपने जिक्र किया, ये तो इस तरीके का खाना है जो बुजुर्ग भी क्या इसे अपने ब्रेकफास्ट के तौर पर इसे अपने ब्रेकफास्ट में शुमार कर सकते हैं बुजुर्गों के लिए, या कुछ अलग बताएंगे? नंदिनी जी, बुजुर्गों के दांत कमज़ोर हो जाते हैं, मसूड़ों की शक्ति कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में परिवार के सदस्यों को उनके लिए पौष्टिक अंकुरित अनाज के रूप में सोयाबीन और अंकुरित गेहूं, अंकुरित सोयाबीन और अंकुरित गेहूं को थोड़े से पानी के साथ मिक्सी में खूब पीसना चाहिए, बिल्कुल बारीक पीसते जाएं, उसको कम नंबर पे, एक नंबर पर मिक्सी को धीरे धीरे चलाएं ताकि वो मैदा की तरह बारीक हो जाए। जब ये बारीक हो जाए तो इसको बिना छाने केवल शहद मिलाकर बूढ़े व्यक्ति को दे दें और उनसे कहें घूंट घूंट करके इसको पी लें, पूर्ण पौष्टिकता होगी, पूर्ण लाभ मिलेगा। ये बच्चों के साथ भी कर सकते हैं, या घर में युवा वर्ग भी जो बहुत चबाने में कहता है घंटों लगेगा, बस अब वाइफ ने रखा, माँ ने रखा, कटोरा रखा, उसने एक चम्मच खाई, बोले बहुत टाइम लग रहा है, ऐसे लोगों को एक कप ये पेय के रूप में, दूध के, दूध जैसा एकदम सफ़ेद हो जाता है, दूध के रूप में इसको पिलाएं, इसकी पौष्टिकता, इसकी बॉडी के रेजिस्टेंस पावर बढ़ाने की शक्ति का शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है, कम से कम मेरे लिए संभव नहीं है। इतनी ताकतवर चीज है, इतनी पौष्टिक चीज है, और बड़ी बड़ी बीमारियों को, अल्जाइमर्स जैसी बीमारी पर भी लगाम लगाने वाला ये सोयाबीन का दूध है। जी बिल्कुल, और कह सकते हैं कि सही मायने में ये एक ऐसा फास्ट फूड है, फास्ट फूड को लेकर के बड़ा नेगेटिव अप्रोच आता है हालांकि, लेकिन ये एक ऐसा फास्ट फूड होगा जो नुकसान नहीं करेगा बल्कि फायदा पहुंचाएगा।
रूप साहब, जिस तरीके से आप लगातार हमारे दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं और मैं चाहूंगी कि ये सिलसिला जारी रहे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्वास्थ्य चेतना देख रहे हैं आप और आज हम समझ रहे हैं संतुलित आहार को और इसमें मदद कर रहे हैं डॉक्टर साहब लगातार हमारी। डॉक्टर साहब, आपने ये तो बताया हमारे दर्शकों को कि संतुलित आहार क्या है, किस आयु के लिए कौन सा आहार सही रहेगा, क्या लाइफस्टाइल पे कितना निर्भर करता है कि हमारा आहार क्या हो। अब जबकि हम जान चुके हैं कि हमारे लिए संतुलित आहार क्या है, लेकिन उस आहार को किस तरीके से लिया जाए कि वो हमें पूरा लाभ पहुंचाए, यानी कि जो संतुलित ये जो शब्द है जिस उद्देश्य से हम आहार को ले रहे हैं इसका पूरा लाभ हम तक पहुंचे, सब कुछ संतुलित रहे, तो क्या कुछ बताएंगे? नंदिनी जी, मैं दो बातें जो जीवन को आरोग्यमय बनाए जी, जो जीवन को ज्यादा एक्टिव ज्यादा क्रियाशील बनाए बताना चाहे, तो पहली बात आहार को प्रसाद मान के, प्रकृति का प्रसाद मान के उसका सेवन करना चाहिए। आहार को कभी भी लेटे हुए बैठे हुए बिल्कुल अलसाते हुए जबरदस्ती ठूस रहे हैं या स्वाद लोलुपता में खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं, खूब दबा दबा के बतासे पी रहे हैं, स्वाद के लिए आहार को ना लें। आहार का सेवन का उद्देश्य शरीर के अंदर जो बीमारियां पनपी हैं या स्वस्थ शरीर है तो वो लंबे समय तक स्वस्थ रहे, हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे, हमारी रेजिस्टेंस पावर अच्छी रहे, इस उद्देश्यों की, इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला आहार ही संतुलित आहार होगा जी। इस आहार में शरीर की जरूरत के मुताबिक हरी सब्जियां खाइए, हरी सब्जियों से फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, विटामिन्स मिलेंगे, फाइबर मिलेगा, भारी मात्रा में फाइबर आंतों को बल देगा, आंतों के विलाई के मोमेंट को व्यवस्थित करेगा और कोलाइटिस या आईबीएस में जो कॉलन में स्वेलिंग आई है उसको ठीक करेगा, साथ ही साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को सशक्त और मजबूत बनाएगा। हरी पत्तेदार सब्जी हमारे आहार में जरूर होना ही होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। एक प्रोटीन का स्रोत, चाहे वो दही के रूप में हो चाहे वो दाल के रूप में हो, हमें लेना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग दाल और दही दोनों चीज़ों को ले लेते हैं तो ये बहुत बार अति हो जाती है। हम एक बार में एक ही तरीके की प्रोटीन लें और उतनी मात्रा में लें जितनी मात्रा में शरीर की जरूरत है जी। आप इसके साथ हम खूब भारी मात्रा में सलाद खाएं, सलाद में प्याज का उद्देश्य होता है, एल्कलाइड्स होते हैं प्याज में, प्याज खाने का उद्देश्य होता है कि ये भोजन के साथ जो अवशिष्ट पदार्थ अंदर चले गए हैं उन्हें बलपूर्वक बाहर निकाल दें जी जी। लहसुन का उद्देश्य होता है कि जो हितवर्धक पदार्थ हैं उनको समुचित स्थान तक पहुंचाए, जैसे हृदय के लिए हितकारी तत्व हैं जो कोलेस्ट्रॉल है, जो अनसैचुरेटेड फैट है, उस फैट की व्यवस्था शरीर के उचित आंतरिक अंग तक कैसे पहुंचे इसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करता है लहसुन। इम्यूनिटी को तो बढ़ाता ही है, ब्लड को तो स्वच्छ करता ही है, साफ सुथरा करता ही है, लेकिन जो हमारी मॉडर्न रिसर्च है वो ये कहती हैं कि लहसुन एक एक उपयोगी तत्व को छांट के उस स्थान तक पहुंचाता है जिस स्थान पर उस तत्व की आवश्यकता होती है जी। लेकिन नंदिनी जी, यहाँ हम एक बात कहना चाहते हैं,
कि लहसुन और प्याज को, मैं अभी सलाद का जिक्र कर रहा था, मैंने हरी पत्तेदार सब्जी दाल या दही का सेवन करने की बात कही, इसके साथ सलाद के रूप में लहसुन और प्याज को खाने की बात कही, लेकिन बहुत से लोग जानकारी के अभाव में प्याज और लहसुन खूब खाते, बोले साहब बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत पौष्टिक चीज़ है, हमारे शास्त्रों में पन्नों के पन्ने अध्याय के अध्याय लिखे हैं इनके गुणों के, लेकिन क्या उन शास्त्रों में ये भी लिखा है कि प्याज लहसुन को भून के उसकी पौष्टिकता को नष्ट करके खाने से उसका फ़ायदा मिल सकता है? कोई बहुत अच्छा उपयोगी व्यक्ति हो तो आप क्या उसको मार पीट के भून के उसका उपयोग कर पाएंगे? इसलिए जो लोग प्याज और लहसुन को तल के खाते हैं वो गरिष्ठ भोजन बन जाता है। ये गरिष्ठ भोजन हमारे पाचन तंत्र को भी मुसीबत में डालता है और हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, हमारा एंटायर मेटाबॉलिज्म उस गरिष्ठ पदार्थ को पचाने में बहुत कैलोरीज को खर्च करता है, बहुत समय को खर्च करता है, जो उचित नहीं है। इसलिए मेरा अपने दर्शकों से एक विनम्रतापूर्ण निवेदन है कि प्याज लहसुन टमाटर अदरक हरा मिर्च इनको तेल में फ्राई मत करें, इनकी पौष्टिकता नष्ट हो जाती है, इनके औषधीय गुण, इनके आरोग्यकारी गुण जो हमारे शरीर को मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं, केवल जीभ में स्वाद मिलता है, सच्चा स्वास्थ्य नहीं मिलता। बिल्कुल, यानी कि आप चीज सही ले रहे हैं लेकिन सही तरीके से नहीं ले रहे हैं, और यही वजह है कि लाभ आपको वो नहीं मिल पा रहा है जिसकी आप उस पदार्थ से उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, ये तो बात होगी, इसके साथ ही आपने जिक्र किया था कि कुछ जो हमारी बैलेंस डाइट है वो हमारे बीमारियों पर, अगर हम किसी तरह की बीमारी पर ग्रसित है उस पर भी निर्भर करती है। सामान्य बीमारियां जो कि हर घर में पाई जाती हैं, बीपी हो गया, शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो गया, हार्ट पेशेंट भी बहुत ज्यादा संख्या में आजकल हमारे घर में पाए जा रहे हैं, तो ऐसे भी जो सामान्य हमारा आहार है उसे लेने के दौरान क्या हमें अवॉइड कर देना चाहिए, क्या हमें सावधानी बरतने की जरूरत है बीपी पेशेंट की अगर बात की जाए तो? सबसे पहले देखिए, विभिन्न बीमारियों से ग्रसित लोगों के लिए अगर हम सलाह दें कि इस बीमारी में ये आहार उपयोगी है तो निश्चित रूप से नंदिनी जी बहुत अच्छा बात होगा। ब्लड प्रेशर सामान्यतः दो कारणों से होता है, एक तो हमारी जीवन शैली में गड़बड़ी, दूसरा हमारे खान पान में गड़बड़ी। जीवन शैली में गड़बड़ी हमारे विलासितापूर्ण जीवन के कारण हो सकती है या अतिरिक्त तनावपूर्ण जीवन पद्धति जीवन शैली, ये दोनों स्थितियां होती हैं और कभी कभी ये दोनों संयुक्त रूप से भी एक व्यक्ति में होती हैं, और तीसरा वो व्यक्ति घर के खाने के स्थान पर खूब तला मसालेदार भोजन कर रहा है, चाट चटनी पानी के बतासे पी रहा है, समोसे खा रहा है, ये स्थिति हो सकती है। नंदिनी जी, इन दोनों स्थितियों पे हमें चिंतन करना, तो क्या हम ब्लड प्रेशर के मरीज को ऐसा आहार बता सकते हैं जो इन चीजों को खाते हुए भी उसको ठीक स्वस्थ रख सके? शायद नहीं। सबसे पहले हमें अपनी भूलों को सुधारना होगा, हमें अपनी गलतियों को सुधारना होगा, तब हम आरोग्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं जिन्हें मानसिक तनाव के कारण ब्लड प्रेशर हो जाता है, वो नंदिनी जी आजकल हर पार्क में एक घास फैली हुई है जिसको सखौली या शंख पुष्पी कहते हैं, बच्चों को लोग पिलाते हैं ताकि उनकी मेमोरी पावर बढ़े। मैं कहता हूँ बड़े बूढ़े सभी लोग शंख पुष्पी किसी भी पार्क से जाके खोद लें और उसको या माली से मंगा लें, उसका ताज़ा आधा गिलास रस प्रातः और शाम को
चाय के समय ले लें, चाय को अवॉइड करें, आप देखिए मानसिक स्तर पर कितनी प्रसन्नता और आनंद का अनुभव होता है और ब्लड प्रेशर हमारा संतुलित होने लगता है। लेकिन जिनका हाइपर एसिडिटी के कारण, जिनका पाचन तंत्र की गड़बड़ियों के कारण, जिनका गैस बनने के कारण बीपी बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, हाइपर एसिडिटी के व्यक्ति के साथ ये लक्षण बहुत होते हैं, ऐसे लोग प्रातः खाली पेट एक चम्मच जीरा चबा चबा के खा लें, ऊपर से एक गिलास पानी पी लें, इसके आधा घंटे बाद एक आंवले का मुरब्बा खा के ठंडा एक कप दूध पी लें, ब्लड प्रेशर विशेषकर सिस्टोलिक प्रेशर, ऊपर वाला प्रेशर जो 180 90 200 तक को छू रहा है, चार दिन में ही काबू में आना शुरू हो जाएगा। और इस आहार के क्रम को अगर आप एक या दो महीना कर लें तो ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा। इसके बाद आप भोजन में सावधानी रखते हुए 5-10 मिनट का प्रतिदिन योगाभ्यास करके अच्छी जीवन शैली को अपनाते हुए जीवन जिए तो पूर्ण आरोग्यता पूर्ण जीवन मिलेगा, पूर्ण स्वस्थ जीवन मिलेगा और ब्लड प्रेशर की दवा से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और ये छुटकारा कौन देगा? आपका कार्डियोलॉजिस्ट देगा। जो हमारे दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा कि अपने मन मर्जी से दवा को छोड़ें घटाएं बढ़ाएं नहीं, आप अपने चिकित्सक के बराबर संपर्क में रहें। वो जब कहता जाए कि अब तो आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल आ गया है, नॉर्मल से नीचे जा रहा है, तो दवा धीरे धीरे टेपर करेगा, कम करेगा और बाद में दवा को अलविदा कह दे। बिल्कुल, तो डॉक्टर आपकी दवा को कम करेगा लेकिन लाइफस्टाइल आपकी अपने हाथ में है, आप इसे बेहतर कीजिए तो डॉक्टर खुद ब खुद दवा को कम कर देगा। ये तो बात हो गई बीपी की। अगर शुगर पेशेंट की बात की जाए डॉक्टर साहब, तो क्योंकि इसके भी मामले घरों में बहुत ज्यादा होते हैं, हर घर में लगभग एक शुगर पेशेंट तो पाया जाता है, ये अब तक देखा गया है और भारत में इसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं अगर शुगर पेशेंट की बात हो तो क्या आप ऐसा खाने में बताएंगे कि उनकी डाइट जो है वो संतुलित रहे? नंदिनी जी, शुगर पे खाद्य पदार्थ क्या आहार लें इसकी चर्चा करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी। गाय को भूसा खिलाते हैं, गेहूं का भूसा, और गाय हमें दूध देती है। जी हाँ। एक चिंतन का, एक सोच का विषय है कि भूसे के अंदर वो सब मिनरल्स, विटामिन्स, कैल्शियम सब कुछ होता है जो एक आदर्श आहार में होना चाहिए, क्योंकि दूध ही एकमात्र ऐसा आहार है जिसको आइडियल कंप्लीट आहार माना जाता है। दूध में कोई भी चीज मिलाने की जरूरत नहीं होती, कंप्लीट आहार, केवल दूध पर पूरा जीवन जिया जा सकता है। और छोटे बच्चे तो देखिए साल डेढ़ साल दो साल तक अपनी ग्रोथ करते हैं, उनका जीवन दूध पर ही होता है, तो दूध एक कंप्लीट आहार है। मैंने नंदिनी जी डायबिटीज की दवा, डायबिटीज के संदर्भ में आहार बताने से पहले ये बात कह रहा हूं जी जी। क्योंकि एक एक बात अगर खुल के बताएंगे तभी हमारे दर्शकों को स्वास्थ्य का लाभ होगा और वो निरोगी बनेंगे, आरोग्यमय बनेंगे। तो गाय गेहूं का भूसा खा के दूध बना देती है और दूध पूर्ण आहार है। अब हम बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटस के मरीज के। डायबिटीज मेलाइटस में पेंक्रियाज की बीटा सेल्स इनएक्टिव हो जाती हैं, एंडोक्राइन सेल्स जो हार्मोनल सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल सेल्स होती हैं उनके सिक्रीशंस कम हो जाते हैं या रुक जाते हैं। पेंक्रियाज की एक्टिविटीज कम होने से पेंक्रियाज कमजोर होने से ये हुआ, और जब पेंक्रियाज कमजोर होगा तो हमारे शरीर का मिनरल और विटामिन लेवल भी कम हो जाएगा, क्योंकि सही ढंग से भोजन का पाचन नहीं हो पाएगा, और पाचन नहीं होगा तो एब्जर्वेशन नहीं होगा प्रॉपर जी। हम डायबिटीज मेलाइटस के मरीजों को अगर देखें तो नंदिनी जी
दिखने में आता है। 10 मरीज का स्टडी करके देख लीजिए कि उन्हें केवल शुगर 150 के आसपास हुई थी, दवा खाते खाते शुगर 400 के आसपास रहने लगी, दवाएं बढ़ती गई, किडनी की बीमारी हुई, फिर लीवर की बीमारी हुई, फिर और बीमारियां घेरती गई, दवा भी बढ़ती रही, आरोग्यता तो मिला नहीं, दवाएं बढ़ती गई। कि इसका इलाज नहीं, एक बार शुगर हो जाए तो फिर ताउम्र आपको परहेज करना होता है और दवाइयां खानी होती। नंदिनी जी मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन दवा खाते खाते शरीर के दूसरे अंग भी खराब हो और बीमारी ठीक ना हो, किडनी पे बुरा प्रभाव पड़े, आंखों पे बुरा प्रभाव पड़े। हम अपने डायबिटीज मेलाइटस से पीड़ित दर्शकों को एक ऐसी सलाह देना चाहते हैं कि जो उन्हें नया जीवन देगी, इम्यूनिटी बढ़ाएगी और डायबिटीज को, बढ़ी हुई ग्लूकोज को एक सप्ताह में ही नियंत्रित करने का रास्ता आपको बताएगी। जी। इस और बहुत सरल उपाय, जैसे गाय भूसे से दूध बना लेती है, आपका शरीर दूध बनाए ना बनाए, कहां देख रहे हैं आप दूध बनाएगा, आप 100 ग्राम भूसा, 200 ग्राम भूसा अच्छी तरह धुल के पानी में भिंगो दीजिए और फिर इसमें सुबह उठ के कुकर में हल्की आंच पर 5-6 सीटी मार दीजिए और फिर इस भूसे को छान के जो रस निकले, जो काढ़ा तैयार हुआ, उस काढ़े को 1-1.5 गिलास काढ़े को प्रातः काल रोज पी लीजिए, वर्षों बरस पी सकते हैं, कमजोरी दूर, मांसपेशियां और हड्डियां शक्तिशाली, फेफड़े और हार्ट सशक्त, और सबसे बड़ी बात, बढ़ता बेलगाम होता ग्लूकोज पूरी तरह नियंत्रण में। इस छोटे से उपाय से एक बार आप करके तो देखें, जीवन में उतार के तो देखें, निराश नहीं होंगे, हताश नहीं। तो छोटा सा उपाय कह रहे हैं आप, लेकिन ये उपाय भले ही छोटा सा कह रहे हैं डॉक्टर साहब, उपाय बहुत काम का है और इससे लाभ आपको बहुत बड़ा मिलने वाला है। डॉक्टर साहब, खान पान पे हमने बात कर ली, लेकिन बात अगर की जाए पानी को लेकर के, देखिए पानी की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है हमारे जीवन में और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें, और गर्मी के मौसम में तो और भी ज्यादा, लेकिन अक्सर खाने के साथ हम पानी का इस्तेमाल गलत तरीके से कर जाते हैं, लेकिन सही तरीका क्या है ये भी हम नहीं जानते हैं, तो इस पर क्या बताएंगे? नंदिनी जी, भोजन करने के आधा घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। बहुत से लोग अति सावधानी में बहुत ज्यादा आदर्शवादी बनने, बहुत ज्यादा ज्ञानी बनने के चक्कर में 1.5-1.5 घंटे बाद पानी पीते हैं, जो सर्वतः अनुचित है। शास्त्रों में ऐसा प्रावधान नहीं बताया गया है, बल्कि विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसा करना सेहत के लिए नुकसानदायक। दूसरी चीज, पानी हमें खाना खाने के आधा घंटे बाद जरूर पीना चाहिए। कितना पीना चाहिए? लगभग 400 मिलीलीटर, जितना आपने आहार लिया। सामान्यता है एक व्यक्ति 300 से 500 ग्राम भोजन करता है, सब कुछ मिला के, दाल चावल रोटी सलाद सब मिला के हमारा 400-500 ग्राम हो जाता है। तो हमें कम से कम 400 मिलीलीटर माने 2 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। वहीं एक और सलाह दूं कि पूरे दिन में अपने शरीर के वजन के 10वें हिस्से के बराबर पानी पीना चाहिए। अगर शरीर का वजन 60 किलो है तो 6 लीटर पानी, अरे 6 नहीं पी पा रहे तो 5 या 4 लीटर तो जरूर पिए। वो लोग जो लोग दवाइयों के सहारे, डॉक्टर के सहारे स्वस्थ होने का चिंतन करते हैं, सपना देखते हैं और बहुत कम पानी पीते, दिन भर में 1-2 गिलास पी लिया, ऐसे लोग सही मामले में भूल कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। उनके गिरते स्वास्थ्य को ना तो कोई दवा बचा पाएगी, ना कोई डॉक्टर उनको स्वस्थ कर पाएगा। इसलिए पानी की शरीर की जरूरत के मुताबिक मात्रा का सेवन जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए।
जी, तो पानी का सेवन अच्छी मात्रा में करना चाहिए और अपनी जरूरत के मुताबिक करना चाहिए, और ऐसा नहीं कि एक बार में ही ले लिया, पूरा दिन में आप थोड़ा थोड़ा पानी लेना है, किस तरीके से लेना है ये भी डॉक्टर साहब आपने बताया। वही बात अगर इसी तरह खाने की जाए तो एक दिन में करीब कितने मील्स लेना आइडियल माना जाता है? नंदिनी जी, बहुत से लोग सुबह नाश्ता लेके निकलते हैं 8 बजे, फिर लौट के 8 बजे रात को ही खाना खाते हैं। देखिए, हमारे जो पाचन प्रणाली है, हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, वो एसिटिक नेचर के होते हैं। अगर हम लंबी फास्टिंग करेंगे, सुबह ब्रेकफास्ट किया, फिर 12 घंटे बाद, 10 घंटे बाद दोबारा खाना खा रहे हैं, ये सेहत की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है। हमें लगभग 2.5 से 4 घंटे के इंटरवल पर ज़रूर कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। ध्यान रखिएगा, 2.5 घंटे से 4 घंटे के बीच का इंटरवल में जरूर कुछ ना कुछ खाएं, जरूर फल हरी सब्जियां खाएं, सलाद खाएं, ताजे फल का जूस पिएं। बिल्कुल, तो बहुत सारी जानकारियां आज हमने डॉक्टर साहब से जुटाई, बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आज के स्वास्थ्य चेतना में इसी के साथ इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT